पापा मम्मी को बुला लो, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। आरती आना इधर। जी आई। क्या है? अपना बेटा कुछ जरूरी बात करना चाहता है। एक मिनट। अच्छा, ये जो दोनों आप इतने दिनों से करने की कोशिश कर रहे हो, ये ठीक है? ठीक है, ये क्या है? ये तेरी बात खत्म होने के बाद के लिए। तो आपको पता है कि मुझे आपसे क्या बात करनी है? चुप कर, तुझे पता है ना कि हमें पता है, और हमें भी पता है कि तुझे पता है कि हमें पता है। बच्चा तो यहाँ कोई नहीं है। मतलब बच्चे तुम हो हमारे और हमेशा ही रहोगे। प्लीज, ये बहुत दिनों से बहुत ड्रामा हो रहा है, आप लोग थोड़े नॉर्मल हो सकते हो प्लीज? नॉर्मल? जग्गू जी की क्लास में ना हमें यही सिखाया गया है, जो हमारे लिए नॉर्मल है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी नॉर्मल हो। क्लास? कौन सी क्लास? और जग्गू जी कौन है? अगर आपका बच्चा उखड़ा उखड़ा रहता है, आपसे बातें कम करता है, आपसे बातें छिपाना चाहता है, तो हो सकता है कि वो अपने मन या दिल के किसी कोने में बहुत कुछ छिपा कर बैठा हो। ध्यान देना बहुत जरूरी है। नाश्ता खा ले ठीक से, बस इसी में घुसा रहता है। सुन, ये कब? अरे ये तो... हाँ जी सर। नहीं सर, लोगो तो मैंने कल रात को ही डिजाइन कर दिया था, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ बस। जी वो टेम्पलेट भी मैं बस सर 45 मिनट्स में आपको सर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शक पैदा करती हैं। पापा सोए नहीं आप? और कुछ चीज ऐसी होती हैं जो शक को यकीन में बदल देती हैं। शादी का योग तो है ही नहीं। ओ यार, जब मामला लीगल है ही नहीं तो योग कहां से बनेगा? अगर आप सच जान चुके हैं तो आप मास्टर क्लास के दूसरे मगर सबसे जरूरी पड़ाव पर है, द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। यार आई एम सो सॉरी, आपको मेरी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा, ये मेरी प्रॉब्लम है और आपको गो थ्रू करना पड़ गया। आकर, यू आर यू, माइनॉरिटी हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपने तो हमेशा हर उल्टी सीधी चीज में मुझे सपोर्ट ही किया है। पर अगली बार ना इतनी लंबी मत करना, बात करो, खत्म करो। बात नहीं करनी इस बारे में किसी से, ये उनका सच है, तुम्हारा नहीं। हाँ, अगर आप में धीरज कम है तो इस टॉपिक को नॉर्मलाइज कीजिए घर में, कुछ हिंट छोड़ कर देखिए, हो सकता है कि बच्चे की हिम्मत बढ़े। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। अरे आजा आजा, देख बहुत अच्छी फिल्म है, देखी तूने? काम है मम्मी, बहुत
ओ यार काम बाद में कर लेना, फिल्म तो देख ले पहले। डेडलाइन है मेरी पापा। जिंदगी की डेडलाइन निकली जा रही है तुझे ऑफिस की डेडलाइन की पड़ी है। क्या? यार भी सब फौरन जैसा हो गया। ये दुनिया हमारे प्यार को कभी नहीं समझेगी। शर्मा क्या होगा? LGBTQIA+। मैं हूं जग्गू जागृत, आपको जागरूक करने आया हूं। तो आइए क्लास शुरू करें। L लेस्बियन, G गे, B बाइसेक्सुअल, T ट्रांसजेंडर, Q Q अगर आप ये मास्टर क्लास देख रहे हैं तो इतना तो तय है कि आप सीखना चाहते हैं, आप इवॉल्व होना चाहते हैं, आप वोक होना चाहते हैं। क्यों? क्यों? क्वियर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारी परंपरा ही है जिसे 200 साल पहले अंग्रेजों ने आकर भंग कर दिया था। We were free and proud before British Raj. I intersex, A asexual. Plus भी तो है, उनके लिए जो इस फुल फॉर्म में इंक्लूडेड ही नहीं है। Different. You are not abnormal. You are not an outcast. You are you. क्या नाम रखा ना हमने उसका? कमाल है यार, कमाल। पता है हर फेमस आदमी का नाम होता है। बॉलीवुड में है ना एक फेमस वो डायरेक्टर, उसका भी तो यही नाम है। रोटी धर्म में। यार वो तो भाई गॉड कमाल का बंदा है, मैं तो फैन हूं उसका। सच में, वैसे ना वो किसी से नहीं डरता, बिल्कुल हमारे बेटे जैसा, एकदम निडर। तुझे अच्छा लगता है करण? नहीं, मुझे तो उसके जैसा बनना है। हाँ। क्या फिल्म डायरेक्टर? ओए, वो सिर्फ फिल्म डायरेक्टर नहीं है तो और क्या है? टॉक शोज बनना है आपको? कॉफी तो पसंद है नहीं आपको, तो क्या चाय विद मुकेश? हो क्या गया आप दोनों को इतने दिनों से? ये क्या बाल बना रखे हैं आपने? अगर आपको कुछ कहना है तो सीधा सीधा कहो ना। यार हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? अगर आप ये मास्टर क्लास मेरे इतने ज्ञान देने के बाद भी देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आप बहुत स्लो हैं या फिर आप मोटी चमड़ी के वो इंसान हैं जिसे देखकर मुझे अपने माँ बाप याद आते हैं। घर से उन्होंने निकाला और दिल से मैंने। अगर जग्गू के माँ बाप के पास कोई जग्गू होता ना तो जग्गू को लावारिसों जैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। और आज देखो, रोज माफी मांगते हैं यूट्यूब कमेंट्स पे, फोन नंबर तक नहीं उनके पास। अगर आपके बच्चे अभी तक अपनी अपनी अलमारियों से नहीं निकले हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए उनके हालात पर,
हो सकता है कि वो निकलना ही ना चाहते। अब जब सब बातें खुल के हो ही गई हैं तो हैप्पी एंडिंग तो मैं पढ़ लेती हूँ। बेटा बचपन से ही तुम बहुत अड़ियल, जिद्दी और खड़ूस थे, मगर बाहर की दुनिया के लिए तुम एकदम शर्मीले टाइप के थे। हाँ, फिर मुझे लगा कि शायद तुम्हारे लिए यही बेस्ट हो कि तुम्हें बॉयज बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा तुम्हें। ऊपर से हमसे दूर रहने की आदत हो गई ना तुम्हें, तो हमसे सच छुपाना भी ठीक ही लगा। लेकिन बेटा, सच वो छुपाते हैं जो गलत काम करते हैं। हमारे लिए तो मतलब हमारी आंखों में ये तो सिर्फ प्यार है। देखो, तुम राइट विंग के गद्दार हो सकते हो। गद्दार मतलब अभी तक शादी लीगल नहीं हुई है ना, तो इसीलिए जब तक लीगल नहीं होती तब तक थोड़ी सी फाइट है बस। और तू ये मत समझ कि हमें शर्म आ रही है कि आसपास के लोग, बगल वाले शर्मा जी या फिर गली मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बेवकूफ वो हैं, हम नहीं। हाँ, वो हम हैं, वो नहीं। वैसे भी सदियों से हमारे यहाँ है, मतलब परंपरा रही है। क्या बोली जा रहे हो आप दोनों? मेरा चंदा लाएगा एक और बंदा। पेरेंट्स लाइक अस आर कूल, हूएवर्स अगेंस्ट गे पीपल दे आर ब्लडी फूल्स। सेलिब्रेट करने की आई है बारी, कोई नहीं है राज, अब छुपाओ सलवारी। अब मैंने आपने पूरा सिस्टम गलत पकड़ लिया। मेरे प्यार पर ना डालो, ना जीत सको तुम कब, ना जीत सकोगे अब, क्योंकि आदमी हो या औरत, लव इज लव। You are gay and that's okay. No. You are gay and that's okay. 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 Shut up! I am homophobic. क्या यार आरती? वो जग्गू कहता था ना कि ये इसका पल है। इसको निकलने दे कबर से, नहीं रैप करेंगे रैप। बेटा आई एम सॉरी। देख तू ना, एक बार दो बार जितनी जी चाहे उतनी बार अंदर से बोल डाल, निकाल दे सब अंदर से। मुकेश वो होमोफोबिक है। हाँ तो इसी बात को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। फोबिक मतलब समझते हो? ओए तू महंगे स्कूल गया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। फोबिक मतलब भय। इसमें डरने की क्या बात है? डरता नहीं हूं मैं, घिन आती है मुझे सिर्फ उनसे, से मीठे ढीले ना मर्दों से, ना इधर के होते ना उधर के होते। तो तू गे नहीं है? नहीं। तो फिर अभी तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई तूने? यार कमाल है, आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं नॉर्मल हूं? नहीं नहीं, तू अपनी माँ की बात का सीधा सीधा जवाब दे। क्या जवाब दूं? नहीं मिली कोई अच्छी लड़की, एक मिली थी वो किसी और के साथ चली गई। तो उस लड़के के साथ बंद कमरे में क्या करता था? और अगर कुछ नहीं करता था तो चिपक चिपक के बैठने की क्या जरूरत थी? हद हो गई बाय गॉड। मेरी बात का जवाब दे तू। जॉइंट फूकते थे हम। जॉइंट? चरस, चरस फूकता हूं मैं। चरस? मेरी छत के नीचे ये सब तुमने धोखा दिया हमें? अच्छा, आपकी छत के नीचे लड़का ठोकू तो आप ठीक हो? तमीज से बात करो। और वो जो लैपटॉप पे वो ईमेल्स आती है परेड के बारे में, वो सब क्या है? और मेरे दोस्तों को पता है मैं होमोफोबिक हूं, वो मेरी लेते हैं वो सब भेज के। और आपने मेरा लैपटॉप चेक किया है? हाउ डेयर यू मम्मी, हाउ डेयर यू करण, तुम गे कैसे नहीं हो? बात ये नहीं कि ये गे है कि नहीं, बात ये है कि हमारा अपना खून, हमारा अपना बेटा होमोफोबिक। पापा एक सेकंड, आप प्लीज बैठो, आओ इधर आओ। मम्मी हाथ मत लगा तू मुझे, ये ना रही है मुझे। बैठो प्लीज, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप दोनों एज यूजुअल बहुत एक्साइट हो गए हो। मैं सोचता था कि मैं अपने बेटे को जानता हूँ। कमाल है यार, आपने मुझे बोला मैं जो हूँ जैसा हूँ आपके लिए ठीक हूँ, तो अब आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है अगर मुझे मुझे इन ढीलों से मीठों से नफरत है? तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, दिमाग का इलाज कराना है तुम्हारा। ठीक है ट्राई कर लो, क्योंकि मैं जो हूं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा।
जिद्दी, अड़ियल, होमोफोबिक। मेरा तो जी करता है कि इसको भी इसी वक्त घर से निकाल दूं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुकेश। Are you guys serious? भाई मेरे, तू कुछ दिनों के लिए अपने फ्रेंड के पास चला जा, किसी भी फ्रेंड के पास, हमें वक्त चाहिए। मम्मी जा, इस घर से चला जा। ये हमारे साथ क्या हो गया आरती? मेरी परवरिश में कुछ कमी नहीं। मेरा गे होना मेरी सच्चाई है। और आपका होमोफोबिक होना एक चॉइस। ये फर्क मत भूलिएगा। मेरा चंदा लाएगा एक और बंदा। पेरेंट्स लाइक अस आर कूल, हूएवर्स अगेंस्ट गे पीपल दे आर ब्लडी फूल्स। सेलिब्रेट करने की आई है बारी, कोई नहीं है राज अब छुपा उस अलमारी। प्राइड परेड में लगी वाट, मगर सर ना झुकाओ, हम हैं तुम्हारे साथ। यू आर गे एंड दैट्स ओके, यू आर गे एंड दैट्स ओके। लकीरे प्यार पर ना डालो, ना जीत सके तुम कब, ना जीत सकोगे अब, क्योंकि आदमी हो या औरत, लव इज लव।